मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफस्टाइल में। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, सुबह सुबह बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो दरवाज़ा बंद कर लेते ताकि आवाज़ें ना आए और आपको कुछ सुन भी ना पाए। बच्चे सुबह सुबह ही बैट बॉल खेलने लगते हैं यहाँ पे, सुबह से लेके शाम तक बच्चे बैट बॉल खेलते हैं, क्योंकि हॉलीडे अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पेपर वेपर तो बच्चों के काफ़ी हद तक खत्म हो चुके हैं। तो बस मैंने दरवाज़ा ही बंद कर लिया है। तो आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ ये गोभी का पराठा मॉर्निंग ड्रिंक में। आज मैंने ये गुनगुना पानी लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का से गुनगुना, क्योंकि अब गर्मी लगने लग गई है। और गोभी का पराठा मेरा खाने का मन करा तो मैंने फटाफट यही बनाया, एक ही पराठा लिया है। मेरे को पता नहीं कितने महीने हो गए होंगे मैंने कोई पराठा वगैरह नहीं खाया है। आप देखते होंगे मैं पराठा आज नहीं खा रही इस टाइम पे, मैं ज्यादा चिल्ला वगैरह या कुछ ब्रेड वगैरह खा लिया। पराठा मैं काफी टाइम से अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज मेरा मन करा तो इसलिए मैंने खा लिया। दही लेना चाहते हैं इसके साथ ले सकते हैं। अगर आपको चाय पीने का मन है तो आप एक कप चाय पी सकते हैं आधे घंटे बाद इसके। अगर आपको चाय पीनी है, जैसे आपने ज्यादातर ना इस मॉर्निंग में चाय पिया करें, इवनिंग में ज्यादातर आप अवॉइड किया करें, मतलब आपको पूरे दिन में एक टाइम पीनी चाहिए, आप इवनिंग में मत पिया करें, मॉर्निंग में पीला करें। और वजन कम करने की ये भी है कि पराठा खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, बस पोर्शन कंट्रोल करना है आपको। तो मैंने फटाफट गोभी पड़ी हुई थी, मैंने पहले तो गोभी की सब्जी सोच रही थी बनाने के लिए, फिर मेरा मन होता है ना कि आपका मन भटक जाता है, फिर मेरा मन किया चलो मैं एक पराठा बना लेती हूँ, बस एक ही पराठा मैं खाऊंगी, ना मैं चाय ले रही इसके साथ। और दही मैं अभी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि अभी बस मैं नहीं खा रही, थोड़े देर 10-15 दिन तक खाऊंगी मैं दही। और गोभी का पराठा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आलू से भी ज्यादा, मूली से भी ज्यादा गोभी का पराठा बढ़िया लगता है। तो बस आज मेरा ब्रेकफास्ट ये है, मतलब मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आप देखें आज मैं सारा दिन अपना ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या क्या खाती हूँ। A few moments later. गाइज, मैं अपना लंच रेडी करके आ चुकी हूँ। लंच में आज मैंने ये वाइट राइस बनाया, थोड़े से मैंने खीरा लिया, और मैंने आज ना ये आलू की सब्जी बनाई है। काफ़ी टाइम, जैसे मेरे को सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मतलब काफ़ी टाइम से नहीं खाया, ऐसे मैंने आलू की सब्जी, मतलब प्लेन आलू की सब्जी खा ली और कुछ भी डाला इसमें, ये भी काफ़ी टाइम हो गया। तो ये आलू की सब्जी बनाई है मैंने और थोड़े से मैंने राइस लिया, तो बस आज मेरे लंच में ये है। मेरे को ना कोई भी सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, मैं मटर का वेट करती है कि मटर वाले भैया आएंगे आएंगे, वैसे भी कोई चीज़ का वेट करते हो तो वो आता ही नहीं है, मटर डाल दूँगी, लेकिन वो भैया आई नहीं। फिर मैंने आलू की सब्जी बना ली, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी और अभी टाइम हो चुका है 1:15 का, और मैं अपना लंच करने लगी। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया कैसे बनी है, मैं देखती हूँ। और वैसे भी ना हल्के से मसाले डाले हैं, खड़े मसाले भी कुछ नहीं डाले, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, और मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, और कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने इसमें। तो ये बहुत अच्छा बना है। मैं खाली ना मैंने जीरा डाला है, तो ना खाली कभी कभी सिंपल सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने सिंपल सब्जी बनाई है। और रोटी राइस इकट्ठे ही खाने चाहिए, गैस बनती है, तो रोटी मैंने सुबह खाई थी 9 बजे करीब, अभी 1:15 हो गया, मतलब 4 घंटे करीब टाइम हो चुका है, तो मैं अभी खा रही हूँ। तो एक दिन में खा सकते हैं रोटी राइस, बस मैंने इतने से लिए हैं, अगर मेरे से इतना पूरा नहीं खाया जाएगा तो मैं इसका आधा खाऊंगी। तो बस आज मेरी लंच की प्लेट में ये है, तो लंच आपको अच्छे से ही करना है, बस पोर्शन कंट्रोल करके करना है। तो चलो आराम से बैठ के मैं लंच कर लेती हूँ, आगे मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइज, मैंने अपना डिनर कर लिया, डिनर में खाली मैंने एक गिलास दूध पिया, कोई मखाने लिए साथ में, कुछ नहीं लिए, क्योंकि ना मेरा पेट फुल था। इवनिंग में मैंने एक एप्पल खा लिया था अपनी ग्रीन टी के साथ, उसके बाद मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने एक कप दूध ले लिया है। और अभी टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि वजन कम करने के दौरान ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो आपका वजन कभी भी कम नहीं होने देगी, तो मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ कौन सी है। वो चीज़ है टेंशन। टेंशन हर किसी की लाइफ में होती है, बट उसको मैनेज करना होता है। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में है, बस आप टेंशन को थोड़ा मैनेज करके चलें। अगर आप टेंशन लेते रहेंगे तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि टेंशन एक ऐसी चीज है जो आपका हार्मोन्स होते हैं वो अनबैलेंस करते हैं, और आपको एक तो जब आपकी ये चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी तो आपको ऐसा लगेगा टेंशन में हूं, मेरे को आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, और आप खाते रहेंगे। तो टेंशन लेने से आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा, इसलिए आपको जब भी अपनी वजन कम करने की जर्नी में जाएंगे तो आपको अपने दिमाग में एक चीज सोच के रखनी है कि मैं जितना हो सके टेंशन को अपने आप से दूर रखूंगी, क्योंकि मैं अपने वजन को मैंने कम करना है, इसलिए आपको टेंशन को थोड़ा दूर रखना है। और ये आजमाई हुई चीज है, काफी लोगों के साथ होता है, अगर आप टेंशन में रहते तो वजन कभी भी कम नहीं होता, बल्कि वो दुगनी तेजी से बढ़ने लगता है, इसलिए टेंशन को करें बाय बाय और अपना वजन कम करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आप बताना आपको आज की छोटी सी मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक करना ही मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।